गुड मॉर्निंग, यस वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू। टुडे आल्सो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन सम प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम्स दैट ऑफन यू फेस इवन दो इन प्रीवियस क्लासेस यू मस्ट हैव लर्न्ड अबाउट देम बाय द टीचर्स but still you fail to understand and you often commit mistakes in doing that. Often some confusions arises when you take them into account, such as look at the blackboard, some and any, use of some and any। एक बार फिर मैं इसको आपको समझा रहा हूं, इसलिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसमें अक्सर आप लोग गलतियां करते हैं और आपके नंबर आपके हाथ से निकल जाते हैं। सम, अब सम और एनी, पहला जो रूल है सम और एनी, सम माने कुछ और एनी माने कोई भी, सम एंड एनी आर यूज फॉर बोथ क्वांटिटी एंड नंबर। सम संख्या के लिए भी इस्तेमाल होता है और मात्रा के लिए भी। मात्रा का मतलब अनकाउंटेबल नाउन, संख्या का मतलब, नंबर का मतलब काउंटेबल नाउन, मतलब सम और एनी काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। बात क्लियर हो गई, इस बात को ध्यान रखें। कैसे? सम टेबल्स, टेबल्स काउंटेबल है, ये नंबर है तो सम। वाटर अनकाउंटेबल है, सम वाटर, तो सम का यूज काउंटेबल, सम का यूज अनकाउंटेबल, क्वांटिटी एंड नंबर फॉर बोथ सम इज यूज। ओके, नेक्स्ट है एनी, तो एनी न्यूज, न्यूज अनकाउंटेबल है। एनी केश, केश अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ये हम देख रहे हैं, तो सम और एनी इन दोनों को ये आपकी बुक में लिखा है, पेज नंबर 18 पर देखेंगे आप दोनों बातें लिखी। इसके बाद हम देखेंगे यूज ऑफ, हाँ सम इज, अब सम, अब हम सम को लेंगे नेक्स्ट, यूज ऑफ सम, ओनली सम। सम का यूज हम जनरली किसमें करते हैं, एफर्मेटिव में करते हैं, एफर्मेटिव सेंटेंस में सम का इस्तेमाल किया जाता है। एफर्मेटिव का मतलब जिस जिन सेंटेंस में नॉट नहीं होता, जिसमें एडवर्ब ऑफ निगेशन नहीं होता, जिसमें नो नथिंग नेवर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, मतलब सकारात्मक शब्दों में यूज करते हैं हम किसका, सम का, ठीक है। तो इसमें एग्जांपल देख सकते हैं आप, आई नीड सम कलर, मुझे कुछ कलर की, आई नीड सम पेन, आई नीड सम थिंग फ्रॉम यू, तो ये सब के सब ये दोनों सेंटेंस पॉजिटिव है, अफर्मेटिव है, इनमें हम सम का यूज करेंगे। पेज नंबर 19 पर आइए, आप कह रहे हैं एनी, एनी इज जनरली, ये कह रहा है जनरली आम तौर से या प्राय, जो एनी है प्राय इसका इस्तेमाल होता है निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल होता है किसका, एनी का। सम का इस्तेमाल निगेटिव में नहीं होता, इसका ध्यान रखिए, इसका मतलब सम का इस्तेमाल निगेटिव सेंटेंस में नहीं होता, एनी का होता है। सेंटेंस देखिए, ही हैज नॉट डन, ही हैज नॉट डन एनी होमवर्क, एनी आ गया एनी होमवर्क। उसके बाद है दे हैव नॉट ब्रॉट एनी गुड न्यूज, नॉट के साथ नॉट प्लस एनी, यही ये आप ध्यान रखिए फॉर्मूला, नॉट प्लस एनी मतलब नॉट आएगा तो उसके साथ एनी आएगा, सम नहीं आएगा। इसके बाद रूल नंबर 4 को देखते हैं, सम एंड एनी कैन बी यूज इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस एनी का यूज निगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव इन दो में किया जाता है। इसके साथ साथ सम का यूज भी इंट्रोगेटिव में किया जा सकता है, जैसे इफ यू एक्सपेक्ट एन आंसर यस वी यूज सम, ठीक है, यस में यह आएगा। आई एम हैविंग, आई एम हैविंग ए हेडेक, ठीक है, कुड यू मेक सम कॉफी फॉर मी, इंट्रोगेटिव, कुड यू मेक सम कॉफी, सम कॉफी इंट्रोगेटिव है तो सम लगेगा।
यू आर सो परफेक्ट विद योर वर्क, ठीक है, यू वॉन्ट नीड एनी हेल्प, यू वॉन्ट नीड, वॉन्ट आ गया, नीड एनी हेल्प, ये निगेटिव सेंटेंस में इसका यूज हो गया। लास्ट में देखेंगे ऐसे ही, हैव यू गॉट एनी, एनी पेपर विद यू, हैव यू गॉट एनी, एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम, ये इंट्रोगेटिव, इसमें एनी का यूज करेंगे हम। तो एनी का यूज निगेटिव में प्लस इंट्रोगेटिव में, सम का यूज इंट्रोगेटिव में भी होता है और एफर्मेटिव सेंटेंस में तो होता ही है। लास्ट में एनी का यूज क्या है, कोई सा भी, इट डज नॉट मैटर, ये ध्यान रखिए आप, लास्ट में दिया हुआ है एनी कैन बी मीन इट डज नॉट मैटर, मतलब एनी थिंग मे बी, है नी, कोई सी भी चीज चलेगी, यू कैन टेक एनी गिफ्ट, आप कोई सा भी गिफ्ट ले सकते हैं आउट ऑफ मैनी, बहुत सारे कोई सा भी। इस तरह से सम और एनी में डिफ्रेंशिएट आपने सुना, इसको आप याद करेंगे, ये आपका वर्क है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यही आपका वर्क है, होमवर्क, लर्न यूज ऑफ सम और एनी। थैंक यू।